शगुन लेके गए। अरे भैया, एकाध दो लाख शगुन का पैसा किसी के घर में है, अगर उसके लिए मशीन की जरूरत हो तो आपका ये मशीन खराब है, यहां वाले मशीन को ठीक करवाइए। गरीब कर्मचारी ग्रुप डी के रेलवे के, उनको धमका रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये गुंडा ही है क्या, गुंडा राज है कि गरीब गुरुओं को धमकाओगे, काली गलौज करोगे, कहोगे तेजस्वी जी का साथ नहीं देना है, लालू जी का साथ नहीं देना है। जिस दिन उस गरीब ने तय कर लिया ना कि आपके उठे हुए हाथ को रोक के दूसरा हाथ लगा दे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, अभी भी वक्त है, आप अभी कर्मचारी हैं, किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, इशारा देने वाले गायब हो जाएंगे, इशारा देने वाले बदल जाएंगे, तब आपका क्या होगा। आप तो नौकरी कर रहे हैं ना, हमारी तरह के आपकी तरह के इंसान है, सेल दी जाए, सेल दी जाए, आप सब जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब जो किराए के मकान में नहीं रहते, जिनका पुश्तैनी मकान है, कागज होगा, अगर 100 लोग के यहां छापा पड़ा तो 100 कागज तो मिलेगा ही। अब वो 100 कागज सेल डीड हो गया, मीडिया में प्लांट करवा रहे हो, गोदी मीडिया में ना, ये बेईमानी है, ये घटिया राजनीति है, और इस राजनीति का अवसान बिहार से शुरू होगा। इस ये राजनीति तय कर देगी कि आपके पास गिनती के सांसद नहीं बचेंगे 2024 में। लेकिन अभी भी आग्रह करूंगा कि पॉलिटिकली लड़िए हमसे। अगर व्हाइट लैंड प्रोजेक्ट बीजेपी का है, रेड मारो। तेजस्वी के नाम पर रेड मार दिया, और मनोहर लाल खट्टर, मधु आजाद, धर्मवीर का नाम आया तो चुप्पी साध गए। ये राजनीति नहीं चलेगी, ये दोहरापन नहीं चलेगा, और इस दोहरेपन को हम आज चुनौती देंगे साफ साफ शब्दों में, कि अगर इन संवैधानिक संस्थाओं के चरित्र हनन का आपने प्रयास बंद नहीं किया, खास तौर पर तेजस्वी जी द्वारा साक्ष्य और सबूत देने के बाद, तो अब हम जनता के बीच में जाए।